नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास या रॉकेट बोलते हैं इसको, राइट करना आपको ये टॉपिक, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। देखिए अभी इनिशियली मैं मान लेता हूँ कि ये रॉकेट जो हमारा है वो रुका हुआ अभी, या इनिशियल कंडीशन कुछ भी ले लेते हैं अभी। इनिशियली ये है अभी रॉकेट, जब टाइम कितना था, जीरो, अभी टाइम इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल टाइम यूज कर रहे हैं, जब चला नहीं। हमने एक टॉपिक यूज करना है यहाँ पे, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, याद है मोमेंटम बिफोर और मोमेंटम आफ्टर क्या होता है, सेम होता है। ये केस करते हैं बिफोर वाला केस। मास मान लेते हैं इसका एम नोट है अभी, वेलोसिटी कितनी है वी नोट, वी नोट जीरो भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अब रॉकेट चलना शुरू हो गया, अभी रॉकेट अगर उड़ेगा तो उसका फ्यूल बाहर निकलेगा, अभी जलेगा और गैसेस बाहर निकलेंगे भी, तो मास कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। तो मास को मैं एम मान लेता हूँ, वेलोसिटी को वी मान लेता हूँ, कब है, जब टाइम कितना हो चुका है अभी, एन टाइम टी, कर लोगे एनी टाइम टी। मैं मान रहा हूँ कि डी एम मास कम हो रहा है इन टाइम डी टी भी, कितने टाइम में कम हो रहा है डी एम मास, डी टी टाइम में भी। टाइम कुछ और बढ़ा देते हैं, कितना टाइम कर दिया, टाइम मैंने कर दिया टी से थोड़ा सा और आगे, टी प्लस डी टी, टी प्लस डी टी, तो कितना मास कम हो गया इसका भी, डी एम मास कम हो गया, तो नया मास कितना बना इसका, एम माइनस डी एम भी, यस और नो। मास जल के बाहर निकलेगा, फ्यूल बन गैसेस बन के, तो स्पीड क्या होगी इसकी, बढ़ेगी, स्पीड कितनी होगी, होगी वी प्लस डी वी, बढ़ी होगी स्पीड कुछ ना कुछ, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो जो मास बाहर निकलेगा, बाहर कौन सा निकलेगा भाई, जो जलेगा वही तो बाहर निकलेगा गैसेस के फॉर्म में, तो गैस स्पीड कितनी मान लेते हैं वी जी, ओके। और इस गैस जो बाहर निकलेंगी इन टाइम डी टी, उसका मास कितना होगा डी एम, ये तो फ्यूल जलेगा, ये गैसेस के फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकलेगा भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये टाइम जीरो के लिए इनिशियल टाइम, ये कुछ टाइम के लिए एनी टाइम टी, ये टी प्लस डी टी टाइम के लिए, तीनों डायग्राम बनाएगा प्लस, ये भी लिखना साथ में, लिख लेते हैं लेट एम नॉट और वी नॉट, ये क्या है, मास एंड स्पीड, स्पीड ऑफ रॉकेट व्हेन टाइम इज कितना भाई, टाइम इक्वल टू जीरो, ओके। और एम और वी क्या है, ये मास एंड स्पीड ऑफ रॉकेट व्हेन टाइम कितना था, एनी टाइम टी, एनी टाइम टी। और डी एम मास रिड्यूस हो रहा है कितने टाइम में, डी टी टाइम में, लिखवा दूंगा अभी आपको, ये डायग्राम बना के ये लिखो भी, और आपको निकालना है, अप्लाई करना है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। हम क्या करते हैं, बिफोर और आफ्टर केस करते हैं, तीन केस हैं भाई, कोई दो यूज़ कर सकते हैं, मर्जी आपके भी, कोई दिक्कत नहीं है। बुक वाले क्या करते हैं, इसको और इसको यूज़ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, कर लोगे भाई। तो क्या करेंगे, ये बिफोर है, ये क्या है आफ्टर है भाई, आफ्टर टाइम डी टी, यस और नो। दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, सही है कि नहीं है। एक चीज़ और लिखिएगा, वी जी क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस, वेलोसिटी ऑफ ए गैस, जो गैस बाहर निकल रही हैं उनकी वेलोसिटीज अभी हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम में क्या चाहिएगा मेरे को, मास और वेलोसिटी चाहिएंगे। रब कर दे इसको, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ, कहाँ तक हुआ था भाई, देखिए अभी यहाँ पे क्या है, v प्लस वी जी क्या है, इसको मैंने v मान लिया अभी, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है अभी, रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू गैस। प्रॉब्लम क्या है, ये गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट मान लो, कोई दिक्कत भी नहीं है, क्या मान लेते हैं इसको, गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, जो रॉकेट है वो उल्टी डायरेक्शन में उड़ रहा है, गैस नीचे जा रही है, तो इसको भी माइनस लेना पड़ेगा मेरे को, क्या ले लेते हैं इसको, माइनस साइन, माइनस क्या दिखाता है, लिख दीजिए नेगेटिव साइन, सो दैट, लिखो नेगेटिव साइन, सो दैट
गैस आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन भी, नेगेटिव साइन शो दैट गैस आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये पॉइंट समझ में आ रहा भाई? वी प्लस वी जी इज रिलेटिव वेलोसिटीज भी, दो वेलोसिटीज को ऐड किया गया है, दोनों अलग ऑब्जेक्ट्स की हैं भी। किसमें करते हैं टॉपिक हम ऐड? इसमें करते हैं, कर लोगे? डायरेक्शन क्या हो जाए उनकी? उल्टी होंगी। तो अब इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस डी एम वी, सही लिखा है, माइनस डी एम वी, चाहिए होगा ना। यही होगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे ले सकते हैं अभी, डी वी इज इक्वल टू, डी वी इज इक्वल टू माइनस वी, कैपिटल वी था ना ये, माइनस वी डी एम बाई एम, एम यहाँ पे लिया है, डी एम बाई एम। हो गया जी, हो गया था नहीं? अब देखो अभी, अब ये डी वी था स्मॉल वेलोसिटीज भी, हमको पूरा वेलोसिटी निकाला रॉकेट का भाई। कब तक वेलोसिटी चेंज होगा रॉकेट का? जब तक उसमें फ्यूल होगा भाई, क्लास ये सर नो। अब फ्यूल जल के क्या होगा? बाहर निकलेगा भाई। और टाइम क्या होगा? मेरे को पता नहीं टाइम कौन सा हो, तो मैं मान लेता हूँ भाई। देखिए, जब मेरा टाइम जीरो था अभी, वेन टाइम इक्वल टू जीरो, उस टाइम रॉकेट का मास कितना था भाई? एम नोट था इनिशियली, चेक करो, कर लोगे? और वेलोसिटी कितना था रॉकेट का? वी नॉट था। अब किसी भी टाइम के लिए ले लेते हैं, व्हेन टाइम इज कितना हो गया? एनी टाइम टी, जब रॉकेट पूरा खत्म हो चुका होगा, पता नहीं हुआ कि नहीं होगा, लेकिन एनी टाइम टी के निकाल लेते हैं। मास कितना होगा रॉकेट का भाई? कुछ तो हुआ होगा एम, वेलोसिटी कुछ तो हुई होगी, इट इज वी। तो लिमिट क्या रखें इंटीग्रेशन की? वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? वी नॉट से वी तक, और मास कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? एम नॉट से एम तक। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लीजिए, इंटीग्रेटिंग द अबो इक्वेशंस भी, इंटीग्रेटिंग द अबो इक्वेशन, इसको कर दो इंटीग्रेट। तो क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी एम बाई एम, इंटीग्रेशन का वे। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी क्लास, बताओ? वी नोट से वी तक, और मास कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? एम नोट से एम तक भी, एम नोट से एम। ठीक है, करना आएगा इंटीग्रेशन, इसका कितना होगा भी? देखो इसका होगा वी भी, वी होगा कहाँ से कहाँ तक भी? वी नॉट से वी तक इज इक्वल टू, वी कांस्टेंट है मास के हिसाब से भी, ठीक है, इसको बाहर निकाल लें, माइनस भी बाहर निकलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एम डी एम, सही लिखा है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स भी? लॉगरिथम एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना? लॉगरिथम एक्स, इसका भी यही होगा। तो v, v नॉट से v इज इक्वल टू माइनस v लॉगरिथम m, m नॉट से m, सही लिखा है, m नॉट से m। यहाँ पे देखो अभी क्लास, कितना आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस v नॉट इज इक्वल टू माइनस v, क्या लिखें? लॉगरिथम m अपर लिमिट माइनस लॉगरिथम m नॉट लोअर लिमिट। समझ में आया भाई? इस माइनस को अंदर ले जाऊं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा भाई। तो कैसे लिखेंगे? v माइनस v नॉट इज इक्वल टू v लॉगरिथम m नॉट माइनस लॉगरिथम m भी, लॉगरिथम एम नॉट माइनस लॉगरिथम एम। और ये फार्मूला ही बन रहा है अभी, लॉगरिथम ए माइनस लॉगरिथम बी का भी, क्या होता है? लॉगरिथम ए बाई बी, सही है। तो क्या बनाएगा फार्मूला भी? वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी
लॉगरिथम कितना भाई, एम नॉट बाई एम बी, एम नॉट बाई एम, दिस इज द आंसर। सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस हमें यूज कर लिया, ठीक है। क्या आएगा, वी लॉगरिथम एम नॉट बाई एम, ये था इसका फार्मूला भाई। अब ये मान सकते हैं जब इनिशियल कंडीशन पे रोके टेस्ट पे हो सकता है, रुका हो सकता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको अभी, रब कर दें इसको। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितना है, जीरो भी हो सकता है, रॉकेट रेस्ट पे हो भी, इसी में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज जीरो, ठीक है। पुट कर दो वैल्यू भाई, कितना आएगा, वी इज इक्वल टू वी लॉगरिथम एम नॉट बाई एम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहा है रॉकेट की, तो आपको मानना पड़ेगा रेस्ट पे था भाई, कर लोगे हो जाएगा। अब ये जो आंसर आ रहा है ये नेचुरल लॉगरिथम का है, इसको बेस टेन बनाना पड़ता है हमको, क्या करना पड़ता है, v इज इक्वल टू 2.303 से गुणा करनी पड़ती है, याद है कुछ लॉगरिथम में भी, एम नॉट बाई एम, दिस इज द आंसर। दोनों आंसर ही है, क्या फर्क पड़ता है, ये बेस टेन वाला, ये किसका, सॉरी ये नेचुरल है, ये कौन सा है, बेस टेन है भाई। ये अभी टॉपिक आपका रॉकेट या सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास में।